पूरा इधर भी सरकार को टोल फ्री कराएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। चाहे कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, अब लड़ाई आर पार की होगी, आप साथ होना इस लड़ाई के अंदर। और एक बार जब टोल फ्री हो जाए, वैसे मैंने लोकसभा के अंदर एक मामला उठाया कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और अगर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, अभी देश के अंदर 11 विशेष राज्य और 5 दौड़ में जिनमें राजस्थान शामिल है, हम उस सारे मामले पूरे करते हैं जो विशेष राज्य के लिए आ चुके हैं। और भाइयों, विशेष राज्य का दर्जा अगर राजस्थान को मिल जाता है, तो जो गहलोत रोज भाषण में कहते हैं कि खजाना खाली है, ये रद्द भूल जाएंगे, इतना पैसा दिल्ली से आएगा। और मैं भरोसा दिलाता हूँ, सरपंच भी कई लोग बैठे हुए, मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, नरेगा का भुगतान सारे सरपंचों का एक साथ कराया पूरे राजस्थान के अंदर। आगे भी भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी भावनाओं पे खरे उतरेंगे, आप जिस जोश के साथ, जिस उम्मीद के साथ हनुमान बेनीवाल का जयकारा कर रहे हो, मैं आपको साक्षी मान के, ईश्वर को साक्षी मान, किसी पद की लालसा नहीं है भाई, आम आदमी तकलीफ के अंदर नहीं होने चाहिए। थाने तहसील कचहरी में अगर गरीब गरीब किसान और उसका बेटा जाए, तो थानेदार तहसीलदार बोले कि बताओ बाबा चाय पियोगे ठंडा पियोगे, ऐसी व्यवस्था राजस्थान में करना चाहता हूँ। आप इस व्यवस्था के अंदर मेरा साथ देना भाइयों, पूरे देश के अंदर तीसरी ताकत भी बड़ी, आपके ही भाई ने आरएलपी पार्टी का गठन आपके सहयोग से किया, उसे मान्यता भी मिल गई दिल्ली में, लोकसभा के अंदर भी, विधानसभा में 3 हमारे एमएलए और 1 चुनाव जिला परिषद का लड़ाया था आरएलपी ने, 1 ही लड़ाया था, वो आरएलपी जीती राजस्थान के अंदर जोधपुर जिले में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बीकानेर के नौजवान, बीकानेर के किसान व्यापारी मजदूर, 36 कौम के लाभ, लोग इस व्यवस्था परिवर्तन लड़ाई के अंदर हनुमान बेनीवाल का साथ देंगे। और मैं मंत्री, अगर मुझे बनना होता तो भाइयों में कभी का बन जाता, मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना जब तक किसानों के हाथ के अंदर सत्ता की चाबी नहीं आएगी। हनुमान बेनीवाल संतरी बन के राजस्थान के किसानों के, किसान की बेटों के लिए हमेशा खड़ेगा। नोखा का बहुत प्रेम रहा, मेरा मजबूत नजदीकी इलाका भी है, और नोखावासी तो यहाँ जो कांग्रेस के वोट मांगते हैं वो खींचर में आरएलपी के मांग लेते हैं, कई यहाँ बीजेपी के मांगते हैं वहाँ आरएलपी के मांग लेते हैं खींचर में, तो आपका बड़ा प्रेम है। और आप तो हमारे घर के एकदम खींचर नौका, एक मैं तो यही मानता हूँ हमारा इलाका, जो भाइयों को भी आधी रात को जरूरत पड़े मुझे आप याद करना, आप सब मिलजुल के आपको रहना है, और हनुमान आपके लिए इस राजस्थान में लड़ते 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 इन फर्जी नेताओं की राजस्थान में जो लेके बैठे इनकी दुकान भी बंद करेगा, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। मैं तो कांग्रेस किसानों की इतनी सोच थी, और बाकी तो आप जानते हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में मैं गठबंधन में हूँ, तो दिल्ली का काम तो आपके खूब कराएंगे, और राजस्थान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के 3500 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता किसान के बेटों को देना था, एक तो 3500 रुपए हो गया, स्टेट हाईवे मुफ्त बिजली और बाकी रोजगार और संविधान लेके जल्दी आंदोलन का ऐलान करेंगे, और मजबूत तरीके से राजस्थान पे नौजवान आंदोलन करके इस बेरोज सरकार को कटघरे के अंदर खड़ा करेंगे। वैसे तो कांग्रेस 2 फाड़ हो चुकी है, 2 मुख्यमंत्री कांग्रेस के अंदर, सचिन पायलट भी सीएम से कम नहीं है और अशोक गहलोत खुद सीएम है, तो ये तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन दूसरा भी अपने को भी मजबूती हमें दिखानी है। और भाइयों, मजबूती दिखाने के लिए आपका भाई आपके साथ खड़ा है, सब लोगों को बड़े मन से साथ लेके बिना राजनीति के हम राजस्थान को बचाने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे, और जो आपकी भावनाएं उन पर खड़ा उतरेंगे। 2-3 जोरदार जयकारा आप लगा लें, मेरे को लगभग 300 किलोमीटर तक जाना है, और आपका इतना प्रेम है कि नोखे वाले मुझे लग रहा है कि आधा घंटा और नहीं छोड़ोगे मुझे, है ना। जय मेरे विंध्याचल जी महाराज की, जय मेरे चंबेश्वर भगवान की, जय बोलिए राम साहब पीर की, और जय बोलिए नोखा विधानसभा क्षेत्र की। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।